अब आप खरीद सकते हैं शिव्स म्यूजिक फ्लूट अमेजन पर, वो भी किफ़ायती दाम में। इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बांसुरी और लिखा हुआ मैनुअल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो बहुत ही प्यारा और पॉपुलर भजन है श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो उसको हम बांसुरी पर निकालने की कोशिश करेंगे, और जो नोटेशंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो वो आपने अगर ज्वाइन नहीं की है तो वो आप पहले ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको शाम तक नोटेशंस मिल जाएंगे। ये फ्लूट है जी बेस, ठीक है दोस्तों, ये मेरी ही कंपनी की है शिव्स म्यूजिकल्स। इसके अलावा अगर आप और दूसरी स्केल्स की लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन आपको फ्रॉड सेलर से बच के रहना है, और जो सेलर का नाम है वो हमेशा चेक कीजिए। तो देखिए क्या करना है आपको, लो नोट से उठाना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा जी बेस हुआ, तो यानी ये सा हमने इसको माना, फिर ये लो ऑक्टेव का नी, ये धा और ये पा। तो आपको पा नोट से उठाना है जो पहला स्वर है। तो मैं आपको पहले सुना देता हूँ कि किस तरह से बजाना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बजाना है। ठीक है दोस्तों, तो सुनने में बहुत अच्छा है भजन है ये। तो आपको पता लगा होगा कि जो लो ऑक्टेव है उसके पा नोट से उठाना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आज ही आपने बांसुरी सीखना शुरू किया है और आज से ही आप गाने बजाने शुरू हो गए, ऐसा नहीं। आपको जो कॉन्सेप्ट है सरगम बजाना आना चाहिए, दोनों ऑक्टेव बजानी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आप मेरे लेसन्स फॉलो कीजिए, मैं बेसिक से बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ न्यू लेसन्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो जिसका नाम रियाज ऐप है, और आप इस पर कई सारे तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड म्यूज़िक हुआ, कर्नाटक म्यूज़िक हुआ और अपना क्लासिकल म्यूज़िक हुआ। और साथ में आपको ये लोग इसमें गाइड भी करते रहेंगे, इसमें वीडियोस हैं काफ़ी लोगों की जो आपको कंटिन्यूस गाइड करते रहते हैं। लिंक मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस रखिए ताकि आपको एक मॉनिटर करने के लिए कोई आपको मिल सके। तो देखिए क्या करना है, ये सा हुआ, फिर लो ऑक्टेव का नी, ये सा, ये नी, ध शुद्ध, पा, यहां से आपको उठाना है। पा, पा के बाद आपको जंप करना है सा नोट पर, प सा 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 सा। श्री कृष्ण गोविंद प सा 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 सा। अब इसको आप जो नेक्स्ट ऑक्टेव है उसमें भी उठा सकते हैं, लेकिन फिर आगे के नोट्स नहीं बच पाएंगे। जैसे तो जो इसका अंतरा है उसके बाद ये आगे और जाता है, तो उस अंतरे में आप फिर जो अगर आप हाई ऑक्टेव से उठाते हैं तो फिर वो बजाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए लो ऑक्टेव से आप बजाइए। प सा 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 ग रे ग रे सा नी ध सा नी ध। फिर से देखिए, यहां तक हुआ क्लियर। उसके बाद नी रे रे गामा, नी रे रे गामा गरे गरे नी रे सा। Thank you.
ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए। फिर से मैं नोट्स बता देता हूँ एक बार। पा सा 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 पा सा 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 सागरेगा सागरेगा सागरे गारे सारे सनी धा। तो जो धा पर आपको स्लाइड करना है वो ऐसा हल्के से करना है, स्मूथनेस होनी चाहिए उसमें। हरे मुरारी ठीक है दोस्तों। हे नाथ नीरे रे गमा गरे गारे नीरे सा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको जो मुखड़ा है वो बजाना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट लाइन है। पितु मात स्वामी फिर उसमें आपको सिर्फ दो नोट यूज लेना है, या फिर मैक्सिमम आप तीन नोट यूज कर सकते हैं, ग शुद्ध, म शुद्ध और ए प। पितु मात स्वामी गम पा 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 ठीक है, अब जो सखा तुम्हारे हैं वहां पर चेंज हो जाएगा। पितु मात स्वामी सखा हमारे फिर उसमें आपको पा धा पा मा गा रे, पा धा पा मा गा और ये रे। फिर से देखिए। पा धा पा मा गरे अब उसके बाद हे नाथ नारायण वो सेम तरीके से लेना है। गा सॉरी, रे 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 गा मा गरे गारे नी रे सा अब एक बार फिर से पूरा सुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इसको बजाने से, इसको सीखने से, इसको देखने से। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप थोड़ा बहुत भी सीखते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगेगा कितने लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं। और जो भी आप भजन चाहते हैं या फिर जो भी सॉन्ग चाहते हैं तो वो आप कमेंट कीजिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। ये फ्लूट है जी बेस, इसके अलावा आप बाकी स्किल्स भी ले सकते हैं, जैसे सी नेचुरल और ई बेस भी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप अमेज़न पर जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। लेकिन आपको फ्रॉड सेलर से सावधान रहना है,
और आपको सेलर का नाम चेक करना है कि शिव्स म्यूजिकल्स है या नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट आती है ऑर्डर के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों, तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, शिव्स म्यूजिकल से, वो आपको सजेशंस ज़रूर देगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।